रहीम यार खान में शाही रोड पर एटीएम तोड़ने वाले मुलजिम की पुलिस तहवील में तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल ले जाया गया मगर जानबर ना हो सका। रहीम यार खान में एटीएम तोड़ने वाला मुलजिम पुलिस तहवील में जां बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को सामने रखते हुए उसे शनाख्त किया था। शाही रोड पर हबीब बैंक के ब्रांच मैनेजर ने भी नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सीसीटीवी फुटेज पुलिस को फराहम की थी। मुलजिम सलाहुद्दीन थाना सिटी ए डिवीजन के हवालात में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। बाद में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। मुलजिम को शेख जैद अस्पताल इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुलजिम की वजह मौत का तायुन होगा। मुलजिम ने पकड़े जाने पर खुद को गूंगा बहरा जाहिर किया था, मगर दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ भी किया। डीपीओ उमर सलामत ने वाके का नोटिस लेते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में वाके की इंक्वायरी के लिए टीम तश्कील दे दी। अब्दुल कयूम आमिर, जी न्यूज़, रहीम।